जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रजन रंजन यशोदानंदन ब्रजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता जथारूप की सामवेद गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंद ओम अज्ञानते मिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदेशतारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिय वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्याद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा जो भी भक्तों ने अपने मोबाइल फ़ोन लाए हो
कृपया उसको आप बंद करके रख दीजिए ताकि वो कथा में बाधा ना दे, और माताओं से अनुरोध है अपने छोटे बच्चों के ऊपर ध्यान दे ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। हरे कृष्ण। हाँ, की लोग आप तीन बार की हरि नाम बोला मेरा पता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का सार है, शिक्षा सार है परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। तो शिक्षाष्टम प्रभु तो शिक्षाष्टम वही शिक्षा तो देंगे, कम से तीन बार तो गाना ही पड़ेगा। शिक्षा से मेरा बहुत प्रिय मित्र है पुराना, कृष्ण का धन्यवाद है इस तरह मित्र देने के लिए, और हमारे बहुत बहुत प्रेम है। उन्होंने कभी कभी टूर लेके जाते हैं उज्जैन में, तो उज्जैन को इतना प्रेम करते हैं। जब मंदिर में ज़्यादा आदमी आते हैं तो समझना चाहिए भगवान बहुत संतुष्ट है। भगवान बोलते हैं जब मेरा उधर में नौकर है तुमको अच्छा देखभाल करेंगे, उधर में जाओ। तो मंदिर में ज़्यादा आदमी आना अर्थात भगवान उनका सेवा में संतुष्ट है। लेकिन आजकल शिक्षा वो नहीं जाते उज्जैन में, इसका तो हमारे सेवा में संतुष्ट नहीं है। और आप लोग सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु उनका सारे शिक्षा किसको माध्यम दिया है, शिक्षाष्ट माध्यम। तो गुरुदेव शिशिमत राधानाथ स्वामी गुरु महाराज आपको शिक्षाष्ट के माध्यम आपको कृष्ण प्रेम देने के लिए भेज दिया उनको, तो ये पूरा पूरा फायदा उठाना है। तो उनका आदेश हुआ है आज ये आने का, आप लोग का कृपा लाभ करने के लिए। और एक चीज, आप लोग रोज अमृत पान कर रहा है तो कभी कभी कौरवा पीने से अमृत का टेस्ट ज़्यादा लगता है। आप लोग इधर में पता नहीं, बंगाल में खाने के पहले नीम पत्ता नहीं तो केरला कुछ खाते हैं, कोई आइटम रहता है। क्यों? नीम पत्ता नीम बेगुन केरला क्यों खाते हैं? क्योंकि आगे खाना अच्छा लगेगा, पहले मिठाई खाएंगे बाद में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कभी कभी कड़वा खाना पड़ता है। लेकिन एक बात है, आप किसी के गेस्ट पे घर में जाएंगे कभी कड़वा खिलाएगा नहीं, वो घर में पिता माता है केवल खिलाएंगे। तो कभी कभी कड़वा भी खाना चाहिए। तो मैं टेस्ट अमृत का टेस्ट बढ़ाने के लिए आज कुछ कड़वा खिलाऊंगा ताकि अगले हफ्ते से आपको अमृत और ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, प्रभुपाद का शिक्षा का और एक हम अच्छा से देखते हैं। प्रभुपाद कितने निंदन किया है 7 दिन का कथा का, क्यों सबको पता है ना? भागवत सप्ताह को प्रभुपाद निंदन किया कि नहीं? भारतवर्ष में फेमस है लेकिन प्रभुपाद निंदन किया, 7 दिन में कथा खत्म नहीं होना चाहिए। किस तरह कथा होना चाहिए? रोज एक एक श्लोक प्रभुपाद ये स्थापित के रोज भागवत भगवत गीता का एक भागवतम का एक सुबह भागवत शाम को गीता होना चाहिए। लेकिन इतना सुनने के बाद हमारे प्रवृत्ति रहता है नहीं 7 दिन में खत्म करेंगे, सबका अंदर रहता है एक अध्याय खत्म कर लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद इतना समझा नहीं भाई ज़्यादा नहीं जाना, एक श्लोक वो काफ़ी है। लेकिन शिक्षा स्टम प्रभु को वो शिक्षा को इतना लिया है, प्रभुपाद क्यों बोला 7 दिन में, एक दिन में एक, में 7 दिन में एक श्लोक लेऊंगा। कभी कभी तो 3 शब्द में एक ही श्लोक बोलूंगा। ये एक्चुअली उन्होंने प्रभुपाद का शिक्षा सही ढंग से समझ गया है। हाँ, इसीलिए हम देखते हैं उनका माध्यम प्रभुपाद का कृपा भी यह से पता चलता है। यदि किसी का माध्यम भगवान का कृपा गुरु का कृपा विस्तार हो रहा है तो समझना चाहिए गुरु कृष्ण उनके प्रति संतुष्ट है। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली है ये स्तर भक्त का सान्निध्य में है। और अच्छा है, नासिक एक पवित्र जगह है जब भगवान आके लीला विलास किया है विभिन्न, तो ये मामला में आप बहुत भाग्यशाली है। तो प्रभुपाद कहता है इस तरह भाग्य किसको लाभ होते हैं? तो पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया है। ये खुशी के बाद के दुख के बाद किसको लगा खुशी के बाद? हाथ उठे।
खुशी की बात, लेकिन एक दुख का बात है, वो क्या है, पिछले बार कंप्लीट किया नहीं। ये दुख का बात है, ये पिछले बार थोड़ा कुछ गलती था, इसलिए दूसरा बार आना पड़ा। लेकिन भगवद गीता में कहता है नहीं, अभी जब ये बात पता चल गया तो ये और चांस मिस नहीं करना। लेकिन ये मामला में हम एक चीज आपको पूछ सकते हैं, यदि ये जीवन में भगवत धाम नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या कमी है जो नहीं जाना चाहता, अगले बार आके लेना पड़ेगा, इस तरह कुछ कमी लग रहा है कुछ? यदि नहीं है तो ये जीवन लास्ट होना चाहिए। प्रभुपाद को एक शिष्य ने कहा, प्रभुपाद ने जन्म जन्मांतर भगवान की सेवा कर, प्रभुपाद नाराज हो गए, क्यों जन्म जन्मांतर फिर क्यों आना चाहते हो, यह जीवन लास्ट होना चाहिए। तो प्रभुपाद चाहते और नहीं आना है। हाँ, या तो भक्त बोले प्रभुपाद शास्त्र में तो लिखा है जन्म जन्मांतर सेवा करना चाहिए। प्रभुपाद बोले हाँ, इंग्लिश में बोले इवन यदि आना पड़ेगा तो सेवा करेंगे, लेकिन आना नहीं यार, ये वो लास्ट है। तो आप लोग को जो मौका मिला है नासिक में, इस तरह प्रभुपाद का एकनिष्ठ अनुजाई अनुगामी फॉलोअर, इसको पूरा फायदा उठाना। एक बार सोच के देख लीजिए कि ये बार यदि नहीं सुजुग नहीं लेंगे, अगले जीवन में क्या इस तरह होगा, मनुष्य जीवन होगा गारंटी नहीं, भारत भूमि में जन्म होगा गारंटी नहीं, नासिक में जन्म होगा गारंटी नहीं, इस तरह इस्कॉन के साथ युक्त होगा गारंटी नहीं, शिक्षाष्टम प्रभु का तो होगा ही नहीं, उन तो भगवत धाम जाएगा, हम नरक में जाएंगे। तो इसीलिए ये जान जहाँ नष्ट नहीं करना। हरे कृष्ण। तो हम प्रभु ने आदेश किया गीता गान के माध्यम, ये भगवत गीता तो हम जानते हैं कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कृष्ण ने गान के रूप में दिए, इसीलिए भगवत गीता, गीत अर्थात गान, भगवान जी गाया है उसको भगवत गीता। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने ये भगवत गीता को, पूरा भगवत गीता को बांग्ला गान के रूप में प्रदान किया है। उन्होंने अमेरिका जाने के पहले 1962 में जब वृंदावन में थे, उनका गुरु का संन्यास गुरु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जी का मठ मथुरा में, वह से मासिक पत्रिका निकालते थे, वहाँ पर प्रभुपाद ये पूरा भगवद गीता गान के रूप में प्रिंट हुआ था। तो ये हम देखेंगे इतना सरल ढंग से भगवद गीता का शिक्षा दिया, ये प्रभुपाद का एक विशेष हमारे प्रति उपहार, सरल में भगवद गीता। भगवद गीता आज इट इज तो दिया तो बहुत सरल है, तो आज जब देखेंगे, देखिए ये बांग्ला में और ज्यादा सरल है। आज चौथे अध्याय चल रहा है, हम चौथे अध्याय कुछ श्लोक देखेंगे। हाँ, क्योंकि संस्कृत श्लोक पढ़ने के बाद वो सारे समझ में नहीं आते हैं, लेकिन भारत में जितना सारा भाषा है सब संस्कृत से आया है। संस्कृत माँ है, अलग अलग भाषा है, उनका कन्या है, तो एक ये भाषा में एक से दूसरा का बहुत मिल है, हिंदी बंगाली उड़िया तमिल तेलुगु आपस में बहन है, तो इसलिए ये समझना ज़्यादा इजी होते हैं। तो आप जब बांग्ला में पढ़ेंगे देखेंगे बहुत इजीली आसानी से समझ में आएगा ये शिक्षा। श्री भगवान कहिलेन, पूर्वे आमी बोलेछिलाम सूर्य के प्रथम এই সে নিষ্কাম কর্ম অপূর্ব কথন, সূর্য বলেছিল পরে মনুকে সপুত্রে, ইক্ষ্বাকু শুনিল পরে পরম্পরা সূত্রে। পূর্বে আমি বলেছিলাম, মে পহলে বাতায়া থা সূর্যকে প্রথম সূরস্ক, সেই সে নিষ্কাম কর্ম, কোন সা জ্ঞান নিষ্কাম, অপূর্ব কথন, অপূর্ব কথন শব্দ অর্থাৎ পূর্বে কবি बात है नहीं, इस तरह अपूर्व, ये भगवत की तो शिक्षा अपूर्व है।
सूर्य बोले छिलो परे मनु के सपुत्रे, सूर्य बाद में सपुत्र उनका पुत्र मनु को बताए थे। इक्ष्वाकु सुनिलो परे परम्परा सूत्रे, इक्ष्वाकु उनका पिता से सुना, इक्ष्वाकु उनको बच्चा को बताया, इस तरह परंपरा को में ज्ञान चलते रहे। सेई परम्परा द्वारा राजर शिरो ज्ञान राजर शिरोगण एके एके सुने सब गीतार वचन। सेई परम्परा द्वारा राजर्षिगण, राजर्षि अर्थात राजा होते हुए भी ऋषि, अर्थात ये भगवत गीता ज्ञान किसके लिए? केवल साधु सन्यासी के लिए? किसके लिए भगवत गीता ज्ञान? राजा के लिए। हम देखते हैं कृष्ण ज्ञान किसको दिया? राजा को दिया। उन्होंने किसको दिया? उनके बच्चा जिन राजा बनेंगे। उन्होंने किसको दिया? उनके बच्चा जिन राजा बनेंगे। तो गीता ज्ञान राजा के लिए। क्यों? क्यों? राजा का काम किया देश चलाना, तो देश चलाने के लिए गीता का ज्ञान जरूरी है। सेई परम्परा द्वारा राजर शिरोगण एके एके सुने सब गीतार वचन। मेरा तो लगे हिंदी पर है हम ना, हिंदी कोई शब्द कठिन नहीं। कालक्रमे परंपरा हुए छे विनष्ट, कालक्रमे परंपरा होते है समय के जाने से बहुत है। जिस तरह एक रानी का एक बच्चा हुआ है तो नॉर्मली राजा का पुत्र कहते देखने किस तरह होता है, अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं तो आदमी थोड़ा नाराज, बोले नहीं बहुत काला बच्चा है। तो वो बात दूसरा सुन बोले ये इतना कौआ की तरह काला है। वो बात दूसरे को बोले रानी क्या केवल कौआ बच्चा हो रहा है और हवा और उड़ के जा रहा है। तो एक से दूसरा जब खबर जाता है इस तरह नया नया खबर बांटते हैं। तो कालक्रम में इस तरह परंपरा नष्ट होते हैं स्वाभाविक। तो श्रील प्रभुपाद जो हमको ज्ञान दिया है हमको सावधान रहना पड़ेगा। जिस प्रभुपाद जो ज्ञान दिया था चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने अप्रकट होने के बाद एक शिक्षा लुप्त हो गया था, यह अब तक उनका धाम भी लुप्त हो गया था। बाद में भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको फिर उद्धार किया। इसलिए प्रभुपाद जो हमको दिया है ये हमारे पवित्र दायित्व है, उसको नष्ट नहीं करना। ये पूर्व से हमको शिक्षा लेना पड़ेगा, हमारे बजाय ये चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद की शिक्षा को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। कालक्रमे परंपरा हुए विनष्ट, परंपरा बिना जन सब अर्थ भ्रष्ट। परंपरा स्वर्ग कोई मूल्य ही नहीं। बाहर के आदमी इस तरह हो सकते क्या? न्यूटन का ज्ञान कोई आदमी ध्यान किया और न्यूटन का सूत्र सीख लिया, इस तरह कोई बोल सकते क्या? स्कूल में जाकर बोला कहाँ सीखा? सर मैं ध्यान किया और न्यूटन का ज्ञान आ गया। कोई एक आदमी बोल सकते सारा दुनिया में नहीं हो सकते। जब इस तरह का नहीं आ सकते तो भगवान का ज्ञान कैसे आएंगे? इस तरह हाँ भगवान कोई भी कर सकते लेकिन करते नहीं, नॉर्मल रूल को तोड़ते नहीं। तो इसीलिए वो ज्ञान भी भगवान परंपरा के माध्यम देते हैं, क्योंकि भगवान की क्षमता है। जिस तरह मान लीजिए सोनी कंपनी के मालिक जापान में रहते हैं, अभी नासिक में उनके एजेंट है, तो यह कोई सामान बिकाना तो कोई उनको पास बोलेंगे मुझको एक सामान एक पैनासोनिक रेडियो कुछ भेज दो, कभी नहीं देगा, उनकी क्षमता है लेकिन क्यों नहीं देगा? तो आप जो एजेंट नाराज हो जाएगा भाई कि मालिक डायरेक्ट देखता हम बिजनेस करेगा नहीं, तो वो मालिक कितना आदमी को पास देगा? तो वो बिजनेस रखने के लिए वो मालिक को भी डायरेक्टली किसी को देगा नहीं। तो उसी तरह भगवान उस तरह कृपा उनका गुरु के माध्यम ही देते हैं, परंपरा के माध्यम। जिस तरह ध्रुव महाराज जब गए थे भगवान के, लेकिन भगवान डायरेक्ट आया नहीं, पहले नारद मुनि को भेज दिया बाद में। तो ये गुरु के माध्यम परंपरा के माध्यम जाना चाहिए। अतएव अतएव कही पुनः सेई पुरातन पुनर्बार परंपरा करिते स्थापन, अतएव कही पुनः सेई पुरातन। अतएव मैं फिर वो पुरातन बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि पुनर्बार परंपरा करित स्थान, दूसरा बार फिर मैं परंपरा स्थापना करना चाहता हूँ। भक्ति बिना के बुझीबे गीता रो रहस्य, तुम्हें मोर प्रिय सखा करो विमुष्य। यह पूर्व बात बोलते हैं भक्ति स्वर के गीता के बाद नहीं समझ सकते।
गीता का बात क्यों, आपका दिल का बात कौन समझ सकते हैं? जो आपका प्रेम करते हैं। आपको प्रेम नहीं करते हैं आपको दिल का बात समझ सकते हैं? कभी भी नहीं। लेकिन आप जिस प्रेम करते आप दिल खुल के साथ बता देंगे, तो हमारे साथ हो जाए तो भगवान के साथ क्यों नहीं? तो प्रेम सुर के भगवान के हृदय के बाद जानना संभव नहीं है। ये सुनने के बाद मन में कोई प्रश्न आया? मन में कोई प्रश्न आया? हाँ, यदि प्रश्न नहीं आया तो हम ध्यान से नहीं सुन रहे। ये सुनने के बाद यदि मन में प्रश्न आया ध्यान से नहीं सुन रहे। अर्जुन का मन में प्रश्न आया, क्या क्या प्रश्न आया? ये सुनने के बाद मन में प्रश्न आना चाहिए। अर्जुन का मन में एक प्रश्न आया, तुम्ही तो नवीन सखा से दिन ओजन मिले कोटि कोटि वर्ष पूर्वे सूर्य जन्म नीले। हे बंधु कृष्ण, तुम्हारे मत बंधु है, कुछ दिन पहले तुम्हारा जन्म हुआ, हम एक साथ जन्म ग्रहण किया और करोड़ करोड़ साल पर सूर्य का आप ज्ञान दिया तो मैं कैसे ये बात मानूंगा? इस तरह नहीं, जो बोलेंगे हम मान लेंगे। मन में प्रश्न आएगा पूछ सकते, शास्त्र में सत धर्म पिच्छा। इस तरह नहीं, चैलेंजिंग एटीट्यूड, विनम्र रूप से प्रश्न पूछना चाहिए जानने के लिए। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा विनम्र रूप से, हे कृष्ण आप बताया आप सूर्यदेव को ज्ञान दिया, लेकिन सूर्यदेव बहुत पहले ही जन्म हुआ था करोड़ करोड़ साल पर, तो मैं कैसे ये बात मान सकता आप उनको ज्ञान दिया था? एक कथा की कोरे बुझी पूर्व यत दिने उपदेश पुरातन तुम्ही बोले छिले। मैं कैसे बात को समझ सकते इतना दिन पूर्व में आप ये पुरातन बात आप बताया था? कृष्ण नाराज हो गए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, इस तरह बात, क्योंकि अर्जुन इस तरह चैलेंजिंग बताया नहीं, इसलिए कृष्ण भी चैलेंजिंग आंसर दिया नहीं, विनम्र रूप से बताया, इसलिए कृष्ण ने बहुत विनम्र रूप से उत्तर दिया। क्यों उत्तर दिया? ये उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, यहाँ पे यहाँ से आगे कुछ श्लोक में आते हैं, भगवान का जन्म कर्म हमारे जन्म कर्म कितना फर्क है। हम हिंदू हैं चैलेंज नहीं करते, लेकिन मन में तो एक भार है भगवान फिर जन्म लेते कैसे लेते हैं, किसी को बोलते नहीं, क्या भाई ये हिंदू के नहीं है क्या बोल रहा है, बोल नहीं पाते, लेकिन मन में एक तो शंका रहते है। हाँ, किसी को बोलना मुश्किल होता है। तो ये उत्तर कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से भगवद गीता से दिया। हे अर्जुन, बहु जन्म तुम्हारो अमार होये छे पूर्व काले शेषव अपार। हे अर्जुन, बहु जन्म तुम्हारा अमार, ये बांग्ला भाषा है, तुम्हारा अर्थात तुम्हारा और अमार अर्थात मेरा। हे अर्जुन, बहु जन्म तुम्हारा अमार होये छे पूर्व काले शेषव अपार। अपार अर्थात नदी का पार शब्द अर्थ क्या है? नदी का पार, पार अर्थात सीमा, तो अपार अर्थात असीम, असंख्य, अपार। इस समुद्र का नाम भी अपार है क्योंकि समुद्र का सीमा नहीं। हुए से पूर्व काले शेषव अपार, तभी अर्जुन का मन में प्रश्न आ सकता है, भाई तुम्हारे हजार हजार तुम्हारा मेरा है, मेरा तो एक भी बात याद नहीं, तुमको इतना कैसे याद है? तो कृष्ण बोलता है, भूली नाई आमी से ही तुम्हें भूले गेछो, आमी विभू तुम्हें जीव यही भावे आछो, बहुनी में व्यतीत आनी जन्मानी तब चार्जुन तानी अहंग बेतो सर्वानी नतंग बेत वरण तब। मेरा याद है तुम भूल गया। तो पूछना आ सकते भाई कृष्ण, तुमको मेरे एक भी याद नहीं, हजार हजार बस तुम्हें सारे याद है, कैसे हो सकते? प्रभुपाद जो गान गया तो प्रभुपाद उसका उत्तर भी दिया, यदि वो श्लोक में उत्तर नहीं, प्रभुपाद इसके अंदर उत्तर दे, कौन सा? आमी विभु तुम्हें जीव यही भावे आज, यद्य भी तो हम दोनों फ्रेंड है लेकिन तुम अनु में विभु, ये फर्क है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते क्यों अर्जुन क्यों भूल गया, कृष्ण क्यों नहीं भूला था? क्योंकि अर्जुन का शरीर का परिवर्तन होता है, कृष्ण का शरीर का परिवर्तन नहीं होता है जन्म लेने से। जिस तरह हम नींद आते हैं, नींद में स्वप्न देखते हैं, तो नींद और मृत्यु का अंदर फर्क क्या है?
कुछ फर्क नहीं, एक फर्क है, नींद में वो शरीर में जाग जाते हैं और मृत्यु में दूसरा शरीर में जाग जाते हैं, इतना फर्क है। और नींद में जो स्वप्न देखते हैं और ये दुनिया में जो वो भी स्वप्न देखते हैं, लेकिन नींद में ये जो अभी जो कुछ देख रहा है ये स्वप्न है, काल देख, काल ये होगा नहीं, तो ये काल के लिए आज ये स्वप्न है। तो नींद में जो स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न सेम है, लेकिन नींद में जो स्वप्न देखते हैं अकेला देखते हैं और अभी जो जाग के सबको मिल के एक साथ स्वप्न देख रहा है, अभी जो स्वप्न देख रहा है सब बड़ा, हाँ कितना आदमी सब बड़े सब देख रहा है, लेकिन नींद में जो देखेगा तो अकेला देखा, दूसरा नहीं देखेंगे, तो फर्क केवल इतना है। तो अर्जुन क्यों भूल गया कि अर्जुन का शरीर का परिवर्तन होता है और भगवान का शरीर परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए भगवान भूला नहीं। और एक बात प्रभुपाद ने कहा, यह बात तात्पर्य में वो बताते हैं, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा सभी सच्चित आनंद है, तीनों गुण यहाँ पर है वहाँ पर है, सच्चित आनंदमय और जीवात्मा सच्चित आनंदमय, तो फर्क किया प्रभुपाद कहता है अचिंत्य भेदाभेद का क्या बोलता है, हाँ ये मामला में गुणगत रूप में एक है लेकिन फर्क कौन सा, परिमाणगत रूप में, क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली, एक गिलास जल समुद्र का जल गुणगत रूप से एक, परिमाणगत रूप से अलग होने के बजाय समुद्र में जहाज चलता है, गिलास में जहाज नहीं चलेगा एक गिलास पानी में, लेकिन दोनों जल है, केमिकल कंपोजिशन से। तो ये भगवान विभू और जीव अनु, इसके कारण अनु होने के कारण, अनु होने के कारण उसको कवर आवृत ढकने का संभावना है, जिस तरह ये बल्ब है इसको ढक सकते, यानी सूरज को ढक सकते नहीं ढक सकते, तो उसी तरह भगवान विभू है उनको ढक नहीं सकते, लेकिन हम जीवात्मा अनु होने के कारण माया हमको ढक लेते हैं, इसीलिए हम भूल जाते हैं, इसीलिए पूर्वत कथा आमी भी भू तुम्ही जीव यही भाव, इसीलिए भूल गया। सकलेर नियामक अजन्मा होइया अव्यय आत्मा परमात्मा भुवन भरिया तथापि सशक्ति साथे जन्म लई आमी सेई भगवत्ता मोर भालो बुझो तुमी। सकलेर नियामक, नियामक अर्थात नियंता, मैं सारा दुनिया के नियंता हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म ग्रहण करता हूँ, यह श्लोक संस्कृत में बोलते हैं अजो अपि शन्नवय आत्मा भूतानाम ईश्वरेषु, अजो भी यद्यपि मैं अजन्मा हूँ फिर भी जन्म लेता हूँ, यह कृष्ण कितना परिष्कार कर दिया, भाई भगवान कैसे जन्म लेते हैं, ये बात बोलने के लिए पहले ही कृष्ण ने बताते हैं मैं अजन्मा हूँ, अजो ओपी, अजो होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ, अजो ओपी, ओपी अर्थात भी, अजन्मा होते हुए भी, और लास्ट में क्या बोलते हैं अजो भी सम्मत भूतानाम ईश्वर प्रकृति सम अधि संभव आमी, यदि हम संस्कृत नहीं जानते हैं फिर भी सब संभव आमी अर्थात संभावना शब्द अर्थ क्या है, आने का संभावना है फ्यूचर, तो संभव आमी अर्थात मैं प्रकटित होता हूँ, प्रकाश होता हूँ, यद्यपि में अर्थात कृष्ण का जन्म हमारे जन्म एक जैसे नहीं है, सूरज का अस्त जाना उदय होने के तरह भगवान का जन्म भी, तो सकलेर नियामक अजन्म होया अव्ययात्मा, अव्ययात्मा था ये भगवान अव्यय, अव्यय था क्षय व्यय जिसको नहीं होते, अव्ययात्मा परमात्मा भुवन भरिया अर्थात सारे दुनिया में भगवान अव्यय रूप में परमात्मा विराज करे, तथापि तथापि अर्थात फिर भी सशक्ति साथे, भगवान की शक्ति का नाम क्या है, भगवान का अंतरंग शक्ति, उस श्लोक में केला का संस्कृत में आत्ममाया, आत्ममाया अर्थात भगवान का दो शक्ति बहिरंगा अंतरंगा, तो भगवान का कौन लीला में भगवान लीला करते हैं अंतर, यह सशक्ति
तथापि सशक्ति साथे जन्म लिया आमी भगवान इस तरह हमारे तरह माया के हम वशीभूत का जन्म नहीं लिया। जिस तरह कैदी कारागार में रहता है, यदि राजा को भी कारागार में जाता है क्या वो सेम कारण है क्या कारागार में जाना? कैदी सोचते वाह ये राजा भी क्या गलती किया, हमारे तरह धन आ गया। कभी कभी आदमी सोचता है इस तरह। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस तरह आदमी को निंदन करने के लिए कहानी स्टोरी बताया। एक बार आप लोग पता नहीं आप कटहल खाते हैं, पका कटहल खाते हैं आप लोग, जैक फ्रूट खाते हैं? इधर में ज़्यादा नहीं खाते, बंगाल में बहुत खाते पका कटहल। लेकिन पका कटहल खाने बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत क्या बोले इसको चिपचिपा गाम ज़्यादा है, उसे सरसों तेल लगाने के बाद हाथ देना चाहिए, नहीं तो। तो एक बार एक जज ब्रिटिश अमल के समय वो उनको इच्छा हुआ भाई बंगाली लोग बहुत कटहल खाते हैं तो हम भी खाएंगे, क्या है इसके अंदर? और पता है ना वो लाने से कितना खुशबू आते हैं, उसको लालच से खाना शुरू किया। उसको तो पता नहीं है उसका सरसों तेल लगाना पड़ेगा पहले, और खाया उसका दाढ़ी भी था पता चला उनके क्या हो गया। उसके बाद कटहल खाया पूरे दाढ़ी भा सब चिपक गया। तो अगले दिन उसको एक ही काम है क्या करना इश्कन को ब्रह्मचारी बांध के कोर्ट में चले गया कपड़ा शर्ट पहन था लेकिन पूरे सफाई करके ब्रह्मचारी के डिस्क पहन गया। लेकिन उसी टाइम जब विचार कर रहा था उधर साक्षी देने के लिए एक वैष्णव गया था, उनको इस तरह से देखा तो उनको देखे हंसने लगा, इतना हंसते शब्द आश्चर्य करे इतना बड़ा वरिष्ठ जाज क्यों हंस रहा है? तब जाज बोला है तुम भी काल कटहल खाया तो इस तरह विचार को प्रभुपाद कहता है कुप मंडुक न्याय, कुआ का मंडक सोचते सब प्रशांत महासागर कुआ के तरह है। तो यहाँ प्रभुपाद कृष्ण लिखते हैं तथापि सशक्ति साथे जन्म लई आमि सेइ भगवत्ता मोर भालो बुझो तुम, ए मोर ए भगवत्ता, भगवत्ता शब्द अर्थात भगवान रूप में मेरा ए शक्ति है। जब मैं भगवान हूँ सारा दुनिया के नियंत्रण कर के मेरे लिए एक कठिन काम है। जदा जदा धर्म ग्लानी होइल संसारे हे भारत विश्व भार लघु करिवारे, जब जब धर्म में ग्लानी होते हैं हे भारत अर्जुन विश्व का भार लघु, लघु अर्थात हल्का, लघु शब्द को उल्टा है गुरु, लघु गुरु, लघु अर्थात हल्का लाइट, विश्व भार लघु कर विश्व का भार को कमाने के लिए। अधर्मेर अभ्युत्थान धर्म ग्लानी होले आत्मार सृजन करी देखो ये सकले, तो मैं प्रकट होता हूं जदा जदा धर्मस्य अभ्युत्थान अधर्मस्य तत् आत्मानं सृजामि अहम, मैं खुद को सृष्टि करता हूं। तो भगवान खुद के सृष्टि, अर्थात हमारे जन्म भगवान का जन्म एक नहीं है। हाँ हमको सृष्टि किया, क्या लग रहा है कोई हाथ उठाइए कौन आपको सृष्टि किया है? इस तरह तो नहीं बोल सकते, लेकिन भगवान क्या बोले मैं खुद को सृष्टि किया। साधु देर परित्राण असाधुर विनाश जे करे अधर्मता करी सर्वनाश, जो साधु को रक्षा करने के लिए असाधु को विनाश करने के लिए जे करे अधर्म उसको तार करी सर्वनाश उनका सर्वनाश। आर अर्थात और धर्म स्थिति अर्थ करीते साधन जुगे जुगे आशी आमी मानुषे वचन, तो एक साधु का परित्राण असाधु का विनाश और धर्म संस्थापन करने के लिए जुग जुग आते हैं। इसलिए भगवान का जन्म और हमारे जन्म एक नहीं है। आमार जे जन्म कर्म से अति महान, भगवान का जन्म कर्म हमारे द्वारा नहीं है। क्यों महान? जिसे राजा जब जेलखाना में जाता है
वो अच्छा काम कि बुरा काम? एक कैदी जब जेल खाना जाते हैं, अच्छा काम कि बुरा काम? बुरा काम की, इसीलिए राजा कब जा रहा है? जब उद्धार करने के लिए इच्छा होता है, जो उनको कुछ कैदी को माफ कर देंगे तभी जाते हैं। तो ये पूरा उल्टा काम है। एक जो कैदी जो काम में गया गलत पाप कर्म के लिए, और राजा के हृदय में जब बहुत करुणा हुआ तब जाते हैं जेल खाना। तो अमर जो जन्म कर्म श्रेष्ठ, इसीलिए भगवान का जन्म कर्म महान है। जे बुझे सही कथा से भगवान, जो ये बात को स्वीकार कर लिया वो भी भगवान है। सभी बात को नहीं मान सकते, लेकिन जिसने मान लिया वो भगवान है। शेचारिया एई देहो, शेचारिया देहो एई, नहे पुनर्जन्म मम धामे फिरे आशे छारे जर धर्म। कोई यदि ये बात को मान लेगा जो भगवान का जन्म हमारे तरह नहीं है, ये बात स्वीकार करने से उनको भी मृत्यु नहीं होगा। बोलते शे छारिया एई देहो नहे पुनर्जन्म, जब ये शरीर छोड़ते हैं तो दूसरा बार नहीं आते हैं। क्यों? भगवत गीता की बात मानने से ही बस कितना अच्छा है। अर्थात वो क्या बन गया? क्या बन गया? अमर बन गया। इधर में नहीं आना, अर्थात उन्होंने क्या बन गया? अमर। अमर बनना आसान काम है। आदमी देखो कितना अमर बनने, कितना करोड़ करोड़ का खर्चा करा है। मेरे दादाजी के नाम रास्ता बनाओ, ये बनाओ, ये थोड़ा टाइम के लिए अमर बनना चाहते हैं। लेकिन भगवत गीता में बहुत आसानी से शिक्षा देते हैं। भगवत गीता में एक शिक्षा है, हम शरीर का आत्मा। कौन सा? हम शरीर का आत्मा। आत्मा कहाँ पे बात लिखा है? भगवत गीता में है कि नहीं? और भगवत गीता एक शिक्षा है, न जायते मृत्युते वा, आत्मा कभी मरते नहीं, लिखा है भगवत गीता में। तो भगवत गीता में एक जगह में लिखा है हम आत्मा है, और दूसरा जगह में लिखा है हम कभी मरेंगे नहीं। दोनों के एक करेंगे तो क्या होगा? दोनों को बात एक साथ करने से क्या होगा? हम अमर है। तो इतना पैसा खर्चा नहीं करेगा, 130 रुपया से यथाथ खरीद करने से अमर बन जाएगी। प्रभुपाद का गीता उतना यदि नहीं करेंगे, ये आके प्रसाद खाना और गीता में तो क्लास में अटेंड करना, अमर बन जाएंगे आप। से छारिया देह यही नहे पुनर्जन्म मम धामे फिरे आसे छारे जर धर्म। इस तरह हो सकते क्या? जब इस तरह कठिन बताते हैं तब उदाहरण देने से समझ में आता है। जब इस तरह आवाज बोलेंगे, हाँ आपको नासिक मंदिर में जो ज्वाइन करते हैं ना, सब PhD मान के जाते हैं। भाई एग्जाम्पल दिखा दो। जिस तरह इस्कॉन एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कौन आते हैं? हाँ कौन आते हैं हॉस्पिटल में? हाँ जिसके बीमार है। और कैसे निकल जाते हैं? हाँ अर्थात जो हॉस्पिटल एडमिशन होने के बाद जब छुट्टी होता है कैसे जाते हैं? हाँ नहीं, डॉक्टर बन के निकल जाते हैं। ये है, इस तरह हॉस्पिटल है, जो एक बार एडमिशन लेके हो डॉक्टर बन के निकल जाए। कोई एग्जाम्पल है आप लोग सब? इस्कॉन के आने के बाद जो शिक्षा मिला दूसरा को नहीं बोलते हैं? कभी कहाँ सीखा, कहाँ सीखा, डॉक्टर बन के कहाँ से? हाँ तो बीमार हुआ तो उधर में गया था, डॉक्टर बना दिया। तो इस तरह एक आध्यात्मिक हॉस्पिटल है इस्कॉन। तो यहाँ पर कृष्ण बोलते हैं इस तरह बहुत एग्जाम्पल है। छारी राग भय क्रोध त्रिविध अशान मन मयामत भक्ति साध्य करिया विचार बहु भक्त ज्ञानी सब तपस्या द्वारे विधुत होया पाप पेचे हमारे। इस तरह जो मेरा शिक्षा जो लाभ किया है, छारी राग भय क्रोध, राग अर्थात अनुराग आसक्ति, आसक्ति भय क्रोध छोड़कर कृष्ण भक्ति करने के कारण बहु भक्त ज्ञानी, बहु बहु भक्त ज्ञानी सब ये भक्ति जो उद्धार कर भगवत में चलेगी। एग्जाम्पल नहीं बहुत है। हाँ भागवत में कितना प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पंचवर्ण से शुरू करके कितना सारे एग्जाम्पल है कि भगवत भक्ति करने से जगत से मुक्त होकर गए। जे भावे जे भजे मोरे आमी से ही भावे यथा योग्य फल दे आपन प्रभावे।
আমাকে সর্বমতে চাহে সর্বঠাই আগু পিছু মাত্র হয় পথে ভেদ নাই। কোনটা ছিল কে যে যথামান তো ভগবান কে বলে হ্যাঁ কে কন্ট্যাক্ট করে মেরে সাথে যো জিস তরহ কন্ট্যাক্ট করে মুস তরহ করুঙ্গা। ইস তরহ ভগবান কে বলে হ্যাঁ যো মেরা বন্ধু বাননা চাহতা আমি কে করুঙ্গা, ভগবানকে কে করনা পড়েগা। কই ভগবানকে বন্ধু হোনা চাহতে ভগবান যদি উনকো সাথ এক 11 নম্বর শ্লোক অনুসার রিলেশনশিপ রাখনা চাহতে ভগবানকে কে মাননা পড়েগা উনকো ফ্রেন্ড হ্যাঁ কি নেই। তো আপ ভগবান তো এতনা যে ডিক্লারেশন দিয়া যে যথামান প্রবাদ দানতে তো কই যে ভগবান বলে যোগ জিস তরহ করনা চাহতে মে উনকে সাথে উস তরহ করুঙ্গা। তো আপ কে বল সকতে ঠিক আছে ভগবান কই রাজা যদি সে ডিক্লারেশন দেগা তো ঠিক আছে মেরা জিতনা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আপ লিজে আপ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মুস্কো দিয়ে কি মেরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যদি পুরো আপকো দেউঙ্গা তো উনকো কে করনা পড়েগা। যদি রাজা যদি ইস তরহ ডিক্লারেশন যে যথামান প্রবাদ দানতে বলেগা তো মে বলে ঠিক আছে মেরা জিতনা সম্পত্তি মে আপকো দে দিয়া আপকা পুরো দেনা পড়েগা। কই ইস তরহ ডিক্লারেশন করেগা লেকিন ভগবান কর দে কেউ ভগবান ডর নেই ইস তরহ ঘোষণা দেনে কে বাদ ডর নেই জিস তরহ হো সকতা কই আকে বলেগা তো করনা পড়েগা লেকিন ভগবান ইতনা কৃপালু হ্যায় ইস তরহ ঘোষণা ভি দে দিয়া লেকিন হাম ইতনা পাগল হ্যায় পর কে বিশ্বাসী নেই হয়ে সকতে কে ইস তরহ। হ্যাঁ বহুত প্রমাণ হ্যায় ভগবত মে কৃষ্ণ খুদ না পারে অহম ভক্ত মুসকো যে সেবা করতে হয় মে উসকো উপাস করতে মেরা ক্ষমতা নেই হ্যায়। জব রাসলীলা মহ রাতে সব গোপী লোক গিয়া কৃষ্ণ কে মিলনে কে লিয়ে আর কৃষ্ণ কি বলা উনকো কি বলে তুম লোক যা সম্ভ্রান্ত পরিবার কা মহিলা হ্যায় ইস তরহ রাত গভীর মে কিছু কো পুরুষ কে নেই আনা চাহিয়ে তোমার পতি পিতা ভাই বোন অপেক্ষা করা হ্যায় উপাস চলে যাও। ইয়ে বাত শুনকর গোপী লোক রোনা শুরু কিয়া। আপ মানো জব কৃষ্ণ কে সামনে ইস তরহ করা হ্যায় কৃষ্ণ কো কেসে লাগেগা ভাই মুসকো ইতনা প্রেম করতে হ্যায় সমাজ মা কোই পরোয়া নেই কাল যাকে স্বামী উনকো কে বলেঙ্গে বাচ্চা কে বলেঙ্গে ভাই পিতা কে বলেঙ্গে কুছ ধ্যান নেই দে রহা হ্যায় মেরা প্রতি ইতনা প্রেম। তো কৃষ্ণ কো বহুত দুঃখ হুয়া মেরা প্রতি ইতনা প্রেম হ্যায় মে কে কর সকতে উনকো লিয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কো কোই যদ্যপন ভগবান হ্যায় উনকো টেনশন আ গিয়া ভাই এ লোক মুসকো জিতনা প্রেম করা হ্যায় মেরা উনকো বাস দেনে কা কুছ হ্যায়ই নেই ভাগবত ন পারে অহম পারা মিন্স এবল আই এম এবল টু রিপে দেয়ার লোন ফির কৃষ্ণ কা টেনশন হয় ভাই মেরা অন্দর হ্যায় কিয়া তাকে উন লোক সব চোর কে ধর্মে আ গিয়া আর মুসকো প্রেম করকে উসকো কিতনা আনন্দ কি আনন্দ মিল রহা হ্যায়। তো ইস তরহ জব কৃষ্ণ কে মন মে ভাবনা আয়া মি স্বয়ং ভগবান হুঁ এ বাত মেরা পাতা নেই হ্যাঁ ক্যা এ লোক গোপী লোক মুসকো ইতনা প্রেম করতে হ্যায় জরুর মুসকে অন্দর কুছ উনকো মিল রহা হ্যায় নেই তো কিউ প্রেম করে আর মুসকো প্রেম করনা যদি উতকো মেরা অন্দর কুছ হ্যায় জিসকে লিয়ে প্রেম করতে হ্যায় আর জরুর উনকো কুছ আনন্দ মিল রহা হ্যায় জিসলিয়ে ইতনা কুছ কর রহা হ্যায় ও চিজ হ্যায় ক্যা ফির মেরা পাতা নেই। তো এ জাননে কে লিয়ে মুসকো গোপী বাননা পড়েগা আর গোপী মে শ্রেষ্ঠ কোন রাধারানী। তো কৃষ্ণ কা মনে ভাবনা আয়া ইতনা মহত্বপূর্ণ চিজ মেরা অন্দর যো কুছ হ্যায় মে ভগবান হুঁ তো সব মেরা পাশ হ্যায় লেকিন মেরা পাতা নেই আনন্দ কিসকো মিল রহা হ্যায় রাধারানী কো মিল রহা হ্যায় ভাই মুসকো মিলনা চাহিয়ে তো মুসকো রাধারানী বাননা পড়েগা। জব ইস তরহ মনে ভাবনা আয়া তো ভাবনা আনে সে কিয়া হতা হ্যায় শরীর মে পরিবর্তন হতা হ্যায় জিসকা মন মে যা পরিবর্তন হতা হ্যায় শরীর মে পরিবর্তন হতা হ্যায় না যে কই ক্রোধ হো গিয়া দেখে পাতা চলতে না মন মে পরিবর্তন না শরীর মে পরিবর্তন হতে লেকিন আমার মন আর শরীর আলাগ হ্যায় ফির ভি পরিবর্তন হতে লেকিন ভগবানকে মন আর শরীর একই হ্যায় যদি মন মে স্তর পরিবর্তন আয়গা তো শরীর তো পরিবর্তন হোক তো ভগবানকে মন মে যে পরিবর্তন আয়া মে রাধারণী বানুঙ্গা তো শরীরকে বর্ণ ভি রাধারণী কে তারা হবে ইসিলে কে বান গা উনোনে চৈতন্য মহাপ্রভু। ইসিলে চৈতন্য মহাপ্রভু বহুত কৃপাময় বিগ্রহ ভগবান কা তিয়া জব বতে ভগবান বলে যো মেরা সাথ জিস তরহ করনা চাহতে হ্যায় মে উস তরহ উনকে সাথ প্রেম কা
विनिमय करना चाहते हो। तो अभी प्रश्न है, भगवान जब इतना बारे बात बता दिया, फिर आदमी भगवान से देव देवी का क्यों पूजा करते हैं? मन में प्रश्न आना चाहिए कि नहीं चाहिए? भगवान जब इतना कोई देवता इस तरह डिक्लेरेशन दे सकते क्या? लक्ष्मी जी बोल सकते मैं इस तरह करो? लक्ष्मी विद्या दे सकते, ज्ञान धन दे सकते? ज्ञान भी नहीं दे सकते। लक्ष्मी सरस्वती दोनों साथ में है, लेकिन जमराज नरक में लेके जाएगा, सरस्वती कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह फिर भी हम भगवान जब इतना डिक्लेरेशन दे रहे, उसके बाद भी क्यों जा रहे हो धर्म? उसको उत्तर कृष्ण दे रहे हैं, कर्मकांडी सिद्धि लागी बहु देव देवी, इहो लोक हय सब बहु सेव्य सेवी। बहु सेव्य सेवी, बहु देवता का उपासक बनते हैं, क्योंकि जो कर्मकांडी है, जो बुद्धि अल्प क्षणिक तुरंत कुछ प्रेय लाभ करना चाहता है, इसीलिए उनके पास भाग जाते हैं। जिस तरह कोई बच्चा, पहले 555 सिगरेट था, आजकल नहीं, 555 555 सिगरेट। एक बच्चा सिगरेट पीने के लिए किसके पास जाएगा? दुकानदार के पास जाएगा, माँ के पास जाएगा, मैं सिगरेट दो, किसके पास जाएंगे? दुकानदार, दुकानदार दे देते हैं, माँ के पास नहीं देते हैं, कि माँ 555 देगा, एक यहाँ पर एक 5, यहाँ पर पीछे एक 5 देगा। इसीलिए दुकानदार के पास जाते हैं, इसीलिए भगवान के पास नहीं है, देव देवी के पास जाना चाहते हैं। चैतन्य चैतन्य में तो मैं भगवान इस तरह ये बात को उत्तर देते हैं, बोलते ये तो मूर्ख लोग मेरे पास पॉइजन विष मांगने के लिए आते हैं, मैं क्यों दूंगा? कोई माँ उनके बच्चा को विष दे सकते, जहर दे सकते? आमे विज्ञ यही मूर्ख है, विषय कहना देवो? भगवान बोलते हैं मूर्ख लोग मेरे पास आके भक्ति करने के बाद जहर मांग रहे हैं, मैं क्यों दूंगा उनको? क्योंकि मैं तो जानता हूं उसको पीने से उनका क्या हालत होगा। आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय कैन देव सचरणामृत दिया विषय भूलाइब, मेरा चरणामृत दे तो सब भूल जाएगा। जिस तरह ध्रुव महाराज को हुआ था, ध्रुव महाराज को बोले मांगो कुछ, बोले नहीं शामीन कृतात्मी बरंग न जा, नहीं नहीं मैं तो शीशा कांच का टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था, मैं तो हीरा का खान मिल गया कि मैं वो मांगूंगा? कि भगवान दशरथ ने उनका सारे भौतिक वासना छोड़ दिया। तो प्रश्न आ सकते क्यों इस तरह होते हैं? कोई आदमी भक्ति का ज्यादा से ज्यादा आदमी इस तरह देव देवी के पास जाते हैं, तो भगवान बोलते हाँ क्योंकि इस जब ये दुनिया वास्तव में मैं प्रकृति को छोड़ दिया, ये सत्य रजत तमोगुण तीन गुण हैंडल करते हैं, और उसके कारण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस तरह अलग अलग होते हैं और प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग दिख आकृष्ट होते हैं। जिस तरह इधर में रसमलाई गुलाब जामुन सब कुछ रखा है, लेकिन तमोगुण का आदमी ढूंढेगा कोई सड़ा हुआ पचा हुआ दूसरा कुछ है कि नहीं वो ढूंढेगा, क्योंकि तमोगुण का आदमी है। शुअर के सामने हलवा देंगे वो क्या सोचेंगे? नहीं यार क्या फालतू खाना है, क्योंकि तमोगुण के कारण उसको अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह प्रकृति में ये तीन गुण के कारण आदमी का अलग अलग स्वभाव है। चारि वर्ण सृष्टि मोर गुण कर्म भागे, जार जहा गुण है कही बसे आगे, तथापि से नहि आमी गुण कर्म माझे, यद्यपि नियंता आमी सकलेर काजे। मैं चार वर्ण सृष्टि किया, लेकिन मैं उसको इसे करने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जिस तरह कोई जज किसी को कर दे मृत्युदंड, कोई एक आदमी किसे मारने से उनका क्या होगा? उनका भी कोई सजा होगा, लेकिन जज जब बोलते हैं उसको फांसी में झुलाओ, तो जज को क्या होना चाहिए? जज को तो कुछ होना चाहिए कि जज ने बोला उनको, जज के उनके बजाय एक आदमी मर रहा है, तो जज को क्या होना चाहिए? उसके कुछ नहीं होगा। भगवान बोल मैं उसी तरह मेरा कुछ नहीं होगा। आमी कर्म फले लिप्त नहीं कोनो काले, स्प्रिया मोर कभू नाई मोर कोनो कर्म फले। क्यों? जी वो जो जज जो ऑर्डर दिया उसके अंदर उनका कोई स्वार्थ नहीं था। इस तरह भगवान जब दुनिया चलाते हैं भगवान का कोई स्वार्थ नहीं, इसीलिए भगवान वो कर्म द्वारा बंधन नहीं होते। आमार कर्मेर कथा बुझे भालो मते, बंधन घुचिल तार कर्मेर फलेते,
यदि मेरा ये कर्म के बाद यदि कोई सही ढंग समझ जाएगा वो भी कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं। এই গুরু তত্ত্ব কথা পূর্বে যে বুঝিল অনায়াসে তারা সব সংসার তরিল। ইয়ে যে গুরু বাদ যে সমঝ গিয়া হ্যাঁ ও পূর্ব মে ইস তার যে আদমি সমঝ গিয়া ইয়ে ভৌতিক সংসার সে উদ্ধার হো গিয়া। তুমি পূর্ব মহাজনে যথা অনুসার যথাবৎ সিদ্ধি লাভ হইবে সবার। ইস তারা তুমি পূর্বতন মহাজন কা পদাঙ্ক অনুসরণ করো, কিবা কর্ম অকর্ম বা করিতে বিচার বড় বড় মুনি ঋষি হয় চমৎকার। চমৎকার অর্থাৎ আশ্চর্য, কোনসা করানা চাই কোনসা নাই করানা চাই, কতনাবার আমার সময় হতে হয় কি কিছু কিছু হতে হয় হতে হয় কবি জিস তার আজ ডিনার জগ হগা তিন চার গোলাপ জামুন দিয়া খানা চাই কি নাই চাই, এই ইন্ডিসিশন হামেশাই আতে হ্যাঁ। শুভ যাবে অ্যালার্ম বাজতে কে লাগতে আজকে উঠনা চাই কি নেই উঠনা চাই, ইস্তার তো সব হামেশাই সামনে আতে তো কোনসা করনা কোনসা নেই করনা, এ ছোটা মোটা সে শুরু করে বড় কাম হর জায়গা মিস্তারা আয়গায় কি বা কর্ম অকর্ম করিতে বিচার হামর হামকু বড় বড় মুনি ঋষি হয় চমৎকার। ও ভি বড় বড় মুনি ঋষি ভি বিমোহিত হতে যায় কিয়া কারণ ইহা তাক ভগবত গীতা শুনে কে অর্জুন কা ভি হুয়া থা অশ্বত্থামা কে মানা চাই কি নেই মানা চাই, পুরা ভগবত গীতা কে জ্ঞান উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণ ফির ভি অর্জুন কে সমাজ মে নেই মানানা চাই কি নেই মানানা চাই। তো ইস্তার কর্মকে ইস্তার সমস্যা হোগাই হ্যাঁ, তাই সে বলিব আমি কিবা কর্ম হয় জানিলে সে তত্ত্ব কথা অশুভের ক্ষয়। ইসিলিয়ে কোনসা কর্ম কোনসা অকর্ম কোনসা বিকর্ম এ জানা বহুত আবশ্যক। কৃষ্ণ বলেন ইসিলিয়ে মে তুমি আবি কর্ম অকর্ম বিকর্ম এ তিন চিজ বাতাউঙ্গা। কর্ম অর্থাৎ হাম জানতে হ্যাঁ শাস্ত্র মে যো বতা হ্যাঁ এ করো এ করো এ ফল হোগা স্বর্গ সুখ হোগা এ কর্ম হ্যাঁ। আর বিকর্ম হ্যাঁ কই জায়গা মে লেখা হয়েছে দারু পিও যো উল্টা কাম। আর অকর্ম অর্থাৎ কি হ্যাঁ মালা জপ করনা ভক্তি কি কি ইসকে কই কর্মফল নেই বন্ধন নেই হোগা ভগবত ভক্তি অকর্ম। আমি যে কর্মফলকে আশা করকে যে কর্ম ও কর্ম আর শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্মকে কথায় বিকর্ম। কর্ম যে বুঝিতে তুমি অকর্ম বুঝিবে বিকর্ম বুঝিতে তথা ভাবে বুদ্ধ হবে। এই কর্ম কোনসা অকর্ম কোনসা ইস তারা সমঝনা বহুত জরুরি, কিউকি এ কেউ জরুরি হ্যাঁ জিস তারা ফুটবল খেললে গেল দেখনে কে গিয়া স্টেডিয়ামে বেঠা এক আদমি কম হয় কতনা চাই দু পার্টি মে দু পার্টি মে কতনা চাই বাইশ, তো এক আদমি কম হয় আপকে বলা আগে খেলো তো খেলনে কে পহলে পুছনা চাই না কোন টিমে খেলেঙ্গে কাহ কোন পজিশন নেই পুছকে খেলনা শুরু কিয়া হোগা কুছ। আর সারাদিন খেলা গোল পোস্ট দেখায় নেই কিসা খেলেঙ্গে। তো ইস কর্ম করলে পহলে জাননা চাই কোনসা কর্ম কোনসা অকর্ম কোনসা কারণে সে বন্ধন হোগা হ্যাঁ জিস মানে ফুটবল খেলেঙ্গে তো খুদ কাজ গোল কিপার উদাহরণ বল দিয়া গোল কর দিয়া তালে বা কেতনা আচ্ছা কর দিয়া ও তো শুনে গোল কর দিয়া কিন্তু আনন্দ হয় লেকিন ও পার্টি কিরা বিকর্ম হয়। ইসিলি কোনসা কর্ম কোনসা অকর্ম কোন বিকর্ম এ কাম শুরু করনে কে পহলে জাননা চাই। ফুটবল খেল রা হ্যাঁ খুদ কো পার্টি কো নাই দিয়ে দোসরা পার্টি কো হামেশা বল দেতে হ্যাঁ পাসিং কর রে। তো ইসি তারা ইসিলে জাননা বহুত আবশ্যক কর্ম কি অকর্ম কি জাননা। দুর্গম কর্মের গতি নিগুর সে তত্ত্ব যে বুঝিল সে বুঝিল তাহার মহত্ত্ব। এই যে কর্মকে গতি হয় ইসলে নিগুর হয় কাহা পর এ পাতা করা বহুত মুশকিল হ্যাঁ জিস তার কিছু কে ম্যালেরিয়া হো গিয়া কারণ কি হ্যাঁ মশর কাটা মশর কেউ কাটা মৎস্যদানী নেই থা মৎস্যদানী কেউ নেই থা বহুত গরিব আদমি কেউ গরিব হ্যাঁ ইস তার তো কারণ দেখতে ঢুনতে কহা সে শুরু হওয়া কারণ পাতা নেই চলেগা ও কব খতম হোক যে ভগবান কে পাস জায়গা তবে অ্যান্সার খতম কোশ্চেন খতম হয়ে যায় তো এক কোশ্চেন আতেই রহেগা। ইসলে দুর্গম কর্মের গতি কৃষ্ণ বলতে গহনা কর্মন গতি কর্ম যে গতি কব সে শুরু হওয়া কিছু পাতা নেই। ভক্তিমান ঠাকুর লিখতে হয় অনাদি কর্ম ফলে পরিভবার নবজলে
तोरीवारे ना देखी उपाय। तो हम जे ये जगत बद्ध हुआ है कर्मफल, कौन गलती से ये जन्म क्यों मिला? पिछले जन्म के कारण। पिछले जन्म क्यों हुआ था? उसके पिछले जन्म, वो पिछले जन्म क्यों हुआ था? उसके वह क्यों हुआ था? इससे ढूंढेंगे तो क्या मिल सकते? नहीं मिलेगा। तो दुर्गम कर्मेर गति निगुरु से तत्व, जे बुझिल से बुझिल तहार महत्व। कर्मेते अकर्म देखे अकर्मे जे कर्म, से बुद्धिमान मनुष्य से बुझेछे मर्म। सकल समारम्भे जार संकल्प वर्जन, ज्ञानाग्निदे दग्ध कर्म पंडित्य पंडित्य ग्रहण। सकल समारम्भे जार संकल्प, संकल्प शब्द अर्थ क्या है? संकल्प हम ये करेंगे, जिस तरह हम एकादशी काल एकादशी व्रत रखेंगे, संकल्प करना व्रत। व्रत अर्थ क्या है? एकादशी व्रत अर्थ क्या है? कल भूख लगेगा आप लोगों को? किसको भूख नहीं लगेगा कल? हाथी नहीं लगेगा, लेकिन खाना खाएंगे, ग्रेन खाएंगे? नहीं। क्यों? उसका व्रत लिया। नहीं नहीं खाए, उसको कहा व्रत। सार्वभौम प्रभु हमारे, उन्होंने बोलते हमको अभी नया नया कुछ व्रत सीखना पड़ेगा। शनिवार फेसबुक नहीं चलाएंगे, रविवार इंटरनेट नहीं देखेंगे, सोमवार व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे। तो ये संकल्प इस तरह भौतिक कर्म करने के लिए संकल्प इस तरह नहीं होना चाहिए। सकल समारंभ जर संकल्प वर्जन, ज्ञानाग्नि से दग्ध कर्म, ये कब होते हैं? ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा दग्ध होते हैं। जिस तरह मान लीजिए आप लोग राजधानी ट्रेन में जब चलेंगे, फ्री चाय देगा, देगा नहीं? आप पीने का इच्छा करेगा? पास में से बैठा रहे, पागल आदमी है, फ्री चाय दे नहीं पी रहा है, ये पागल क्या, ये बुद्धि नहीं है? हाँ, कितना अच्छा चाय कभी दे रहा है, फ्री तो नहीं पी रहा है। हाँ, लेकिन आप क्यों नहीं पी रहा है? ज्ञानाग्नि से दग्ध, आपको इस्कन में आके इतना ज्ञान मिल गया, वो आज पीने का इच्छा नहीं कर रहा है। त्यक्त कर्म फलासंग आश्रय विहीन, नित्य तृप्त नित्यानंद निज कर्मिलीन। नित्य कर्म फला, त्यक्त कर्म फलासंग, फलासंग काम करने के बाद फल भोग करने के वासना कौन करते हैं? काम करने के बाद फल का भाषणा कौन करते हैं? जो कृपण है, मैं किया वो उसको फल मिलना चाहिए। हाँ, कर्म फल संग, कर्म करने के फल का संग हमेशा चाहते हैं, देखते हैं फल मेरा पीछे पीछे आ रहा है कि नहीं, लेकिन उसको त्याग करना चाहिए। त्याग तो कर्म फल असंग, आश्रय विहीन, आश्रय विहीन अर्थात भौतिक जगत में किसी को आश्रय नहीं। कृष्ण हमको रक्षा करेंगे और किसी के पास आश्रय नहीं करना। जो कृष्ण सुर के दूसरे के पास आश्रय करते हैं तो शास्त्र बोलता है कुत्ता का पूछ पकड़ करके समुद्र पार होना चाहते है, उसी तरह है। तो हमें किसका आश्रय लेना चाहिए? भगवान का आश्रय लेना चाहिए। त्यक्त कर्म फलसंग आश्रय विहीन, नित्य तृप्त नित्यानंद निज कर्मिलीन। वो भगवत भक्ति शिवा में आनंद में, नित्य आनंद में, से प्रवृत्त निज कर्मे किचु नहीं करे, अनाशक्त कर्म फल स्वच्छंद विहार। वो सारे दिन देखो इस्कन का भक्त लोग दिन रात परिश्रम कर रहा है, लेकिन आदमी हरे, जब एक गर्मी का दिन रास्ते में बुक लेके जाएंगे, आदमी देखते हैं भाई तुमको कितना मिलते हैं, बोला हम ऑफिस में बैठे गर्म लग रहा है और रास्ते में भूख लेके घूम रहा है, जो हमारे से तुमको ज़्यादा कुछ मिल रहा है। तो पूछते हैं आपको कितना परसेंटेज मिलते हैं, वो समझ में नहीं आता है कैसे ये धूप में पुस्तक लेके कैसे कैसे घूम रहा है। हाँ नहीं, जो भगवत भक्ति आनंद मिला है तो वो केवल समझ गया क्यों इस तरह कर रहा है। मेरा लग रहा है यह रखना चाहिए, 9 बज गया। तो ये आपको 20 नंबर श्लोक तक ही पाठ हुआ था, तो प्रभु तो 20 तक 20 तक बोलने के लिए बताया था। क्वेश्चन आंसर आगे कहो यार। इसको थोड़ा देख, प्रभुपाद कितना अच्छा तरीके लिखा, हम थोड़ा गान गाएंगे तो देखेंगे, जब एक लिखा प्रभुपाद गीता गान तो गान के रूप में 2-8 लाइन गाएंगे तो कैसे लगते हैं। प्रभुपाद कितना बार कवि थे, मेरे दोतल पूर्वे आमी बोले छिलाम सूर्य के प्रथम पूर्वे आमी
एयोशे निष्कामो कर्मो अपूर्व कथन सूर्य बोले चिलो परे मनु केश पुत्रे सूर्य बोले मनु केश ते इच्छा को सुनिलो परे परंपरा सूत्रे इच्छा से परंपरा द्वारा राजर शिरो गान से बरम एके एके सुने सब गीतार बच कालक्रमे परंपरा होये छे भी नष्ट काल परंपरा बिना जानो सब अर्थ भ्रष्ट हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये ट्यून अच्छा लगे कि कोई सरल ट्यून में गाएंगे? ये कठिन लग रहा है ट्यून, थोड़ा इजी ट्यून में गाएंगे। अतएव कहिपुन सेई पुरातन पुनर्बार परम्परा करिते स्थापन भक्ति बिना के बुझीबे गीतार रहस्य
তুমি মোর প্রিয় সখা করো হবি মুষ্ট তুমি তো নবীন সখা সেদিন জন্মিলে কোটি কোটি বর্ষ পূর্বে সূর্য জন্ম নিলে এ কথা কি করে বুঝি পূর্ব এত দিনে উপদেশ পুরাতন তুমি বলেছিলে ভগবান কহিলেন হে অর্জুন বহু জন্ম তোমার হয়েছে পূর্বকালে সেসব ভুলি নাই আমি সে তুমি ভুলে গেছো আমি বিভু তুমি জীব এইভাবে আছো সকলের নিয়ামক অজন্ম হইয়া অব্যয়াত্মা পরমাত্মা ভুবন ভরিয়া তথাপি সশক্তি সাথে জন্ম লইয়ামি সেই ভগবতামর ভালো বোঝো তুমি যদা যদা ধর্ম গ্লানী হইল সংসারে এবার তো বিশ্ববায় লঘু করিবারে অধর্মের অভ্যুত্থান ধর্ম গ্লানী হলে আ
आत्मा रोसी जन करी देखो ये सकले साधु देरो परित्राण साधुर बिना जे करे अधर्म तार करी सर्वनाश আর ধর্ম স্থিতি অর্থ করিতে সাধন যুগে যুগে আসি আমি মানুষে বচন আমারও যে জন্ম কর্ম সে অতি মহান যে বুঝিল সেই কথা সেও ভাগ্যবান সে চারিয়া দেহ এই নহে পুনর্জন্ম মম ধামে ফিরে আসে চারি জর ধর্ম চারি রাগ ভয় ক্রোধ ত্রিবিধ আশার মন্ময় আমার ভক্তি সাধ্য করিয়া বিচার বহু ভক্ত জ্ঞানী সব তপস্যার দ্বারে বিধৌ তো ইয়া পাপ পেছে আমারে যেভাবে যেভাবে মরে আমি সেইভাবে যথাযোগ্য ফল দেই আপন প্রভাবে আমাকেই সর্বমতে চাহে সর্বঠান আগো পিছু মাত্র হয় পথে ভেদ নাই কর্মকাণ্ডে সিদ্ধি লাগে বহু দেব দেবী ইহ লোক হয় সব বহু সেব সেবি শীঘ্র যে কর্ম ফলে মনুষ্য লোকে অনিত সে ফল ভুঞ্জে দুঃখে আর সুখে চারিবর্ণ সৃষ্টিমর গুণকর্ম ভাগে যার যাহা গুণ হয় কহিব সে আগে তথাপি সে নহি আমি গুণকর্ম মাঝে যদ্যপি অন্তায় আমি সকলের কাজে আমি কর্ম ফলে লিপ্ত নহি কোন কালে ইহা কহো নাহি মোর কোন কর্ম ফলে আমার কর্মের কথা বুঝে ভালো মতে বন্ধন ঘটিল তার কর্মের ফলেতে এই গুরু তত্ত্ব কথা পূর্বে সে বুঝিল অনায়াসে তারা সব সংসার তরিল তুমি পূর্ব মহাজনে যথায় অনুসার যথাগত সিদ্ধি লাভ হইবে বিস্তার
माता दिवा कर्म अकर्म बा करी से विचार बर बर मुनि ऋषि हय चमत्कार ताई से बोले बयामी दिवा कर्म हाय जानिले से तत्व कथा अशुभे रुक्ष कर्म जे बुझीते तुम्हें अकर्म बुझीबे विकर्म बुझीते तथा भावे बुद्ध हबे दुर्गम कर्मेर गति निगुरो से तत्त जे बुझिलो से बुझिलो ताहार महत्त कर्मे ते अकर्म देखे अकर्मे जे कर्म जे बुद्धिमान मनुष्य से बुझे से मर्म सकल शरम सकल समारम्भे जार संकल्प बढ़ जार ज्ञानाग्नि पे दग्ध कर्म पांडित्य ग्रह त्यक्त कर्म फला संग आश्रय विहीन नित्य तृप्त नित्यानंद निज कर्मलीन से पवित्र निज कर्मे किछु नहीं करे अनाशक्त कर्म फल स्वच्छंद विहारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जया प्रभु पादा जया प्रभु पादा प्रभु पादा जया प्रभु पादा जया जया प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद विरचित गीतार गान की गौर प्रमाण।